नमस्ते। आज मैं फिर हाजिर हुई आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। यूं तो हम सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं आज आपको गाजर और बीटरूट का मीठा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने लिया है 2 kg गाजर और 1 kg बीटरूट, देसी घी, दूध, शुगर तकरीबन 1/2 kg, इलायची पाउडर और फूड कलर। सबसे पहले हमको गाजर को छीलकर, गाजर और चुकंदर को अलग अलग छीलकर उसे धोकर अच्छी तरह से पानी स्ट्रेन करने रख देना चाहिए। उसके बाद हमें दोनों को कद्दूकस करना चाहिए बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने सारे गाजर और चुकंदर को इस तरह कद्दूकस करके थोड़ी देर के लिए न्यूज़पेपर पर डाल दिया है, ताकि ये एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो सूख जाए और हमें भुनने में आसानी हो। इस तरह से दोनों को अलग अलग कद्दूकस करके मैंने रख दिया है। इसे एक हाफ एन आवर रख सकते हैं आप, जिससे ताकि ये पानी पूरा सूख जाए और हमें भुनने में जरी भी परेशानी ना हो। ये देखिए, ये हाफ एन आवर सूखने के बाद मैंने इस पेपर से उतार दिया है। इसे ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे क्या होगा कि ये तो भुनने में आसानी तो होगी ही होगी, और क्या होगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल चूरे बारीक की जब हम भुनेंगे बिल्कुल बारीक नहीं होगा, खिले खिले मीठा जब बनकर तैयार होगा तो ये खिले खिले होंगे। तो सबसे पहले हम चुकंदर को डालेंगे, क्योंकि चुकंदर थोड़ा जूसी होता है। और यहाँ पर मैंने देसी घी को गर्म कर दिया है, और दूसरे साइड मैंने चाशनी भी तैयार करने रख दी है। हमें पहले चुकंदर को थोड़ा सा भूनकर उसके बाद गाजर डालना चाहिए। और मैंने यहाँ पर घी वनस्पति नहीं लिया है, सिर्फ देसी घी ही लिया है, क्योंकि इससे हमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, और वो सेहत के लिए भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। और हमें आंच बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ये तेज आंच में जल जाएगा। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने चुकंदर को अच्छी तरह से भून दिया है। अब हम गाजर डालेंगे। अगर हमको घी कम लगे तो हम इसमें और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम घी लिया है। अगर हमें कम लगे तो हम और भी ले सकते हैं। अब इस तरह उलटते पलटते हमें अच्छी तरह से भूनना चाहिए। देर के लिए हमें इसे ढाक कर छोड़ देना चाहिए, ताकि इसका जो पानी है वो छूट जाए और हमें भुनने में आसानी हो और वो नरम हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब हम भुनना स्टार्ट करते हैं। इसमें चुकंदर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर थोड़ा सा कसाला होता है, इसीलिए इसका टेस्ट खराब होने का डर रहता है, मीठे का टेस्ट। तो जब कभी हम अगर गाजर ले तो उसका 1/2 चुकंदर ले। इस तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता भूनना चाहिए, और अगर हमें घी की कमी लगे तो हम घी भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ मुझे थोड़ी सी घी की कमी लग रही है। इतना भूनना चाहिए से कि 90% ये गल जाए, भूनने में ही घी में घुल जाए।
अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह से भुने गया है। इसको मैंने 30 मिनट तक, आधे घंटे तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये 90% भूनने में ही गल गया है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, और सॉरी मैंने खोआ नहीं बोला था इंग्रेडिएंट्स में, इसमें दूध में कुनकुने लाइट कुनकुने दूध में मैंने खोआ डाल दिया है। अब मैं ये गाजर में डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता। इसे हम थोड़ी देर के लिए धीमे आंच पे रख छोड़ देंगे, खाली डालकर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि बाकी का भी जो थोड़ा सा कच्चा है गल जाए। दूध अच्छी तरह से सूख चुका है, गाजर और चुकंदर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम लास्ट में शीरा डाल देंगे। चाशनी हमारी रेडी है। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और थोड़ा पका लेंगे। मीठा तैयार है, अच्छी तरह से पक चुका है, और चाशनी भी नीचे से सूख चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हलवा तैयार है अच्छी तरह से। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं बादाम के साथ। आप लोग भी इसे ट्राई करें, टेस्ट करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़रूर कमेंट भी ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।